तो परसों मैंने एक Q&A पोस्ट करा था जिस पर मुझे बहुत कम रिस्पांस देखने को मिला, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे उसके आंसर मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है ऋषभ और जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रसलमेनिया में अंडरटेकर का मैच होगा या नहीं। तो इस बार की रसलमेनिया में मुझे नहीं लगता कि अंडरटेकर का कोई मैच होने वाला है। पिछले साल रसलमेनिया से पहले अंडरटेकर ने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन अंडरटेकर रसलमेनिया 40 में हमें किसी प्रोमो या सेगमेंट में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि डीन एम्ब्रोस WWE में कब आएंगे। तो यार डीन एम्ब्रोस मेरे हिसाब से अभी एक दो साल तक WWE में देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी डीन एम्ब्रोस AEW में जॉन मॉक्सली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और AEW काफी ज्यादा पुश भी दे रही है जॉन मॉक्सली को, और उन्होंने कहा भी है कि अभी उनको हार्डकोर रेसलिंग ही करना है और WWE हार्डकोर रेसलिंग नहीं करवा रही है। तो अभी डीन एम्ब्रोस हमें फिलहाल एक दो साल तक तो WWE में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। डीन एम्ब्रोस का रिटर्न ऑफकोर्स हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन अभी एक दो साल तक तो मुझे नहीं लगता कि डीन एम्ब्रोस आएंगे। थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या खली का रिटर्न होगा WWE में। तो खली हमें WWE में एज अ हॉल ऑफ फेमर देखने को मिल सकते हैं, या कभी इंडिया में कोई WWE का इवेंट हुआ तो उसमें हमें द ग्रेट खली देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रेसलमेनिया में होगा। ब्रॉक लेसनर को WWE ने वापस अपनी ऑफिशियल रोस्टर में ऐड तो कर लिया है, लेकिन रेसलमेनिया 40 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अभी हमें नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, रेसलमेनिया 40 के बाद हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉन सीना को WWE लाइमलाइट से बाहर क्यों रख रही है। तो यार मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेसलर अपनी पूरी लाइफ रेसलिंग नहीं कर सकता, एक एज होने के बाद उसे रेसलिंग से रिटायरमेंट लेनी ही पड़ती है। WWE ने जॉन सीना को लाइमलाइट से बाहर नहीं किया है, बल्कि जॉन सीना ने अपना करियर WWE से हॉलीवुड की तरफ शिफ्ट कर लिया है। लेकिन जॉन सीना अपने फैंस के लिए हर साल रिटर्न करके कम से कम एक मैच तो जरूर रसल करते हैं, लेकिन यार मैं भी एक लास्ट टाइम प्राइम जॉन सीना देखना चाहता हूँ WWE में। तो अगला क्वेश्चन आया है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स में कौन जीतने वाला है रसलमेनिया में। तो यार अगर मैं अपनी गट फीलिंग बताऊं तो मुझे इस बार भी लगता है कि रोमन रेंस किसी तरह अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन एक और है कि रोमन रेंस कब तक चैंपियन रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर रोमन रेंस इस साल रसलमेनिया में नहीं हारे तो रसलमेनिया 42 तक रोमन रेंस चैंपियन रहने वाले हैं, क्योंकि रसलमेनिया 41 में हमें रॉक और रोमन देखने को मिलेगा और कोडी रोड्स ही वो बंदा होगा जो रोमन रेंस की टाइटल रेन को खत्म करेगा। तो अगर रसलमेनिया 40 में रोमन रेंस नहीं हारते हैं तो रसलमेनिया 42 तक तो रोमन रेंस ही चैंपियन रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। WWE से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।